Hi guys, my name is Ayushi and in this podcast we are going to talk about life and everything about life. So welcome to Careless with Ayushi and let's begin. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to yet another podcast and we have a very special guest today. Hi guys, Mansi. So guys, हम मानसी का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे एज यूजुअल. मानसी प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आई एज आयुषी ऑलरेडी सेड, माई नेम इज़ मानसी एंड आई एम अ 20 समथिंग पर्सन स्ट्रगलिंग एक्सप्लोरिंग एंड ट्राइंग टू स्टे सेन. सो या आई एम योर टू बी केयरलेस विद आयुषी. थैंक यू सो मच. एंड एज शी सेड दैट वी आर 20 समथिंग. तो आज का हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये इसी बारे में है. व्हाई 20s आर सो वल्नरेबल. क्योंकि 20s एक ऐसी एज होती है जहाँ पे हम लोगों को पता ही नहीं होता. लाइक हम लोग किड भी नहीं होते और हम एक्चुअल इतने बड़े एडल्ट्स भी नहीं होते, लेकिन हम एडल्ट वाली वो पूरी प्रोसेस ट्रांजिशन होता है. हाँ, एक वो ट्रांजिशन से जा रहे होते हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई गेस इट्स डिफिकल्ट. एक्चुअली द थिंग इज कि हम एक जर्नी पे हैं एंड वी डोंट नो द डेस्टिनेशन येट एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम्स. कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, कभी अच्छा भी लगता है टू बी यंग. बट या इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. समटाइम्स व्हेन यू डोंट नो वेयर यू हैव टू गो, दैट इज मोर डेविस्टेटिंग. ओ डोंट आस्क. ओके सो मानसी, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर समथिंग और समवन दैट यू थिंक दैट कैन मोटिवेट यू इन दीज ईयर्स? लाइक एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है? लाइक अगर हम दोनों अपनी ही बात करें, ठीक है, तुझे लगता है कि तू बाहर से मोटिवेशन या इंस्पिरेशन गेन करती है? यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो किसी और की सक्सेस स्टोरी सुन के अच्छा तो लगेगा, कुछ दिन के लिए इंस्पायर्ड फील होगा कि येस लेट मी यू नो पुट इन एफर्ट्स इन द सेम वे एंड आई कैन डू इट टू. बट वो कुछ दिन के बाद ना चली जाती है मोटिवेशन. येस इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड. एग्जैक्टली. यू नीड दैट फायर, दैट इंस्पिरेशन, दैट मोटिवेशन इन साइड ऑफ यू. वो जब तक अंदर से नहीं आएगा ना तो इंसान नहीं कर पाता है. एग्जैक्टली. यू नो नो एक्सटर्नल फैक्टर कैन मेक यू डू थिंग्स. इवन आई थिंक द सेम. क्योंकि अगर हम कोशिश करते रहें कि हम एक प्रॉपर किसी चीज़ के पीछे हम लगे रहेंगे और तुम वो तब तक कर पाओगे जब तक तुम किसी को मतलब देख रहे हो कि हाँ ये इंसान वैसे कर रहा है. लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी दूर जाते हो ना उस पर्सन से, अगर सोशल मीडिया की ही एग्जांपल ले ले, तुम किसी को फॉलो करो तुम्हें लगता है यार चलो मतलब मेरे को भी ऐसा बनना है ऐसा करना है, लेकिन अगर तुम उसे फॉलो करना बंद कर दे तो तुम्हारा वो गोल गया, वो उसी पर्सन तक खेल था. एक और प्रॉब्लम है सक्सेस स्टोरीज से. तो जब भी हमें किसी की सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है ना, हमें हमेशा उनकी अचीवमेंट्स, उनके गुड डेज के बारे में बताया जाता है. बट आई पर्सनली फील कि अगर किसी ने 10 साल स्ट्रगल किया है ना तो उन 10 सालों में से 9 years या मे बी उससे भी ज़्यादा उस इंसान के बुरे दिन रहे हैं, वेयर दे हैड टू यू नो मोटिवेट देमसेल्व्स, वेयर दे फेल्ट बीटन डाउन एंड दे हैड टू पिक देयर पीसेज अप. और वो जो शाइनी डेज वाली इमेज हमें दिखाई जाती है ना, वो बहुत कम दिन थे. बहुत ही कम दिन थे. कभी ऐसे भी दिन आए थे जब वो खुद के ही आइडिया को डाउट कर रहे होंगे कि शुड आई इवन परस्यू दिस और नॉट. सो मुझे इसीलिए सक्सेस स्टोरीज से काफ़ी ज़्यादा एक पर्सनल प्रॉब्लम रहती है. बिकॉज यू नो अगर आप किसी के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हो तो उनके स्ट्रगल्स को भी इक्वली सामने लाना चाहिए, सो दैट द अदर पर्सन फील्स ह्यूमन टू कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं आ रही, उनके साथ भी आई थी. है ना, अगर उन्होंने बैटल किया आई कैन बैटल टू. पर अगर हम सिर्फ शुगर कोट करके अच्छी चीजें ही दिखाएंगे तो एक डिल्यूजन सा बन जाता है. एग्जैक्टली. एक अनअचीवेबल वाला चीज आ जाती है. सो मानसी, नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू इज दैट डू यू फील कंफर्टेबल विद योर सेल्फ? आई'ड से आयुषी इट्स अ जर्नी. I am learning to be.
कभी किसी ने सिखाया नहीं, यू नो. हमारे टाइम पे मुझे लगता है कि हमारे टाइम तो क्या ही, मतलब मुझे लगता है हमें ये चीज़ कभी बोली ही नहीं की गई कि तुम्हें खुद को एम्ब्रेस करना है या तुम्हें खुद के साथ एक्सेप्ट, हाँ खुद को एक्सेप्ट करना. एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मना किया हो, बट कभी किसी ने ये चीज़ पॉजिटिव वे में भी नहीं कही, यू नो, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. या एग्जैक्टली. और अब आई फील अब की जनरेशन में या अब के लोगों में दिस थिंग ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस दैट्स कमिंग, इट्स अ वेरी नाइस थिंग. इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, क्योंकि हम, आई डोंट नो, व्हाट डू यू मुझे लगता है, आई थिंक कि बेशक वी आर इन 20 समथिंग, बट स्टिल अगर हमने यहाँ तक भी सीख लिया और हमने दूसरों के फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करना सीख लिया और अपने भी फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो मुझे लगता है इट्स फाइन, इट्स नॉट टू लेट. क्योंकि हम सब में इनसिक्योरिटीज तो हैं ही. व्हाट अबाउट इनसिक्योरिटीज? काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं. एंड आई फील 20 समथिंग सब में होंगी. इनफैक्ट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट 20 समथिंग्स, इनसिक्योरिटीज आई थिंक आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड लाइफ, एंड हमें इनके साथ रहना सीखना होगा. जो मैंने जैसे कहा, I am starting like learning to get comfortable with myself. So I am learning to accept my insecurities and my flaws, and not just mine, others too. क्योंकि वही है, एक picture perfect जो image हम दिमाग में लेके चलते हैं, अगर हम खुद उस पैमाने पे सही नहीं उतरते, हम किसी और को कैसे उतार सकते हैं? Exactly. और कल ही जब मैं शो कर रही थी तो मेरा एक टॉपिक था बुद्धा से रिलेटेड, तो उनकी जो सबसे पहली टीचिंग थी ना, मुझे इस बात से, तेरी बात से याद आ गया, तो उनकी सबसे पहली टीचिंग ही ये थी कि आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना है, किसी और को प्यार करने से पहले. तो इसी के साथ हम ये चीज़ आगे बढ़ाएंगे. व्हाट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स? लाइक डू यू लव योर स्ट्रेंथ्स? हाँ, इनसिक्योरिटीज तो यार ऑब्वियसली होती है टीनेजर्स, एडल्ट सब में, ठीक है. व्हाट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स? बीइंग अ टीनेजर शायद हमें पता नहीं होता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, या फिर टीनेज में ना हम वो ढूंढ रहे होते हैं कि यार मैं क्या, किस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ. लेकिन जब आप अपने 20s में होते हो तब तो तुम्हें पता है यार कि हाँ ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है. आई फील कि हमेशा पता भी नहीं हो सकता है, बट हाँ जिन्हें पता है, या मुझे जैसे जो कुछ चीज़ें अपने बारे में अच्छी चीज़ें पता है, सो आई एम ट्राइंग टू, यू नो, उन चीज़ों को मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ. पॉलिशिंग योरसेल्फ. यस, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी फाउंडेशन. अगर वो स्ट्रांग होगी तभी बिल्डिंग सही होगी. सो आई एम ट्राइंग टू, यू नो, मुझे पता है वो स्ट्रेंथ्स हैं, बट आई थिंक आई नीड टू बिल्ड ऑन देम. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. इट इज़ ओनली देन जब वो मेरे फेवर में वर्क करेंगे. सिर्फ स्ट्रेंथ्स होना जो है वो हमारे फेवर में काम नहीं करेगा. उन स्ट्रेंथ्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कितनी वैल्यू में यूज़ करना है, ये भी पता होना चाहिए. दिस इज़ वॉट आई फील. एंड यू एक्सेप्ट लाइक पीपल विद देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर इनसिक्योरिटीज? ओ, मैं आई लव टू ऑब्जर्व पीपल, पता है. Same. मतलब आई लव टू ऑब्जर्व पीपल, एंड लोगों को शायद अजीब भी लगता होगा, बट देन आई लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल अ लॉट. आई लव दिस थिंग अबाउट यू, क्योंकि शी इज़ अ पर्सन, इसके पास अगर कभी भी जाओ ना, यार शर्मा बिल्कुल अच्छा, अरे क्या तू अच्छी है, ये ठीक है, ये अच्छा, लाइक दिस इज़ योर बेस्ट क्वालिटी यार. उस दिन I was talking to someone about this quality of yours, कि ये बहुत अच्छी quality है, like complimenting is. And मैं सिर्फ कहने के लिए compliment नहीं देती, मुझे वो चीज़ या वो इंसान अच्छा लगता है. वो तेरे face से और तेरे expression से पता चलता है कि तू दिल से वो चीज़ बोल रही है. Thank you. And that is very nice. Thank you. हाँ, seriously यार. Okay. Now I don't, I know how to give a compliment, but I don't know how to accept a compliment. ये मैं यही चीज़ कह रही हूँ, सेल्फ लव हमें नहीं सिखाया गया. वही, this we are learning, एक जर्नी है, मतलब लाइफ लॉन्ग हमारी जर्नीज चलती ही रहेंगी. And this is one of those things that, you know, I am currently learning, working on. मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जब कोई compliment मिलता है, they are like very awkward. अब क्या बोले? I am one of them. Even I am one of them. क्योंकि हमें वो चीज़ें embrace करना नहीं आती अपनी. नहीं सिखाई गई. Exactly. And
बीइंग इन योर 20s, लाइक दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, तुम इतना बिजी होते हो करियर, रिलेशनशिप्स एंड व्हाट एल्स, हेल्थ, है ना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती हैं दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर योर हॉबीज़. ओ मत छेड़ो दिल का दर्द. योर हॉबीज़ एंड योर छोटा मोटा जो भी पैशन वगैरह कुछ होता है, व्हाट डू यू थिंक? सो आयुषी, यू नो मी, आई नो यू, वी हैव बीन स्कूल फ्रेंड्स. एग्जैक्टली. तो आई एम अ वेरी अटेंशन डेफिसिट पर्सन. I have to keep doing a lot of things, you know. Yeah, I know. मतलब वो energy ना इतनी ज़्यादा है, you know, कभी singing में घुस गए, सुर सही नहीं लगते, पर मुझे गाना है, मुझे lyrics भूल जाएंगे, पर मुझे गाना है. We have done this. I remember. Yes, I remember. Oh God. Oh God. We have always been this person, you know, school. मतलब मुझे लगता है 9th के बाद कुछ में तेरा, आई डोंट नो, बट मेरा ये ट्रांजिशन हुआ कि आई वांट ऑल द अटेंशन एंड वी हैव डन दैट. हां, अटेंशन तो नहीं, बट या आई हैड, बट यू वांट कॉम्प्लीमेंट, सो तुम्हें वो चीज मतलब तुम्हें आई वांटेड टू एक्चुअली सब कुछ ट्राई करना था, कुछ छूटे ना, सब कुछ ट्राई करना है. थोड़ा बहुत लिख भी लिया, थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया, स्केच कर लिया, बट अब ना आई फील वो चीज़ ना छूट रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. एग्जैक्टली. बीइंग इन योर 20s, यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक ट्रांजिशन फेज जैसे हमने बात की, दिस ट्रांजिशन, यू नो, ट्रांजिशंस आर ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सो वो चीज़ें ना छूट रही हैं और अच्छा नहीं लग रहा है. यू वॉन्ट टू गिव टाइम टू इट, बट टाइम नहीं निकल पा रहा है. सो वो कभी कभी बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है. लाइक बहुत मन है करने का, पर टाइम नहीं निकल पा रहा. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर रही हूँ, बट देन इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जब कभी खाली टाइम मिलता है तो यू नो उस टाइम पे वो उस टाइम पे यू फील है कि यार चलो रेस्ट कर, रेस्ट कर लिए उतनी. मैं समझ गई ये चीज़, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स सेटिंग अस बैक, लाइक व्हाट्स पुलिंग मी बैक. I don't know. First of all, I need proper time management. I need to follow my hobbies. Wo, you know, I have to use those energies somewhere. I what have are to, your like three top most hobbies? I like to sketch. I love to write, as you know. और लिखना छूट गया है और मुझे इतना बुरा लगता है. मतलब लिख I was in a job where I used to do script writing. So I used to write, but वो खुद के लिए लिखना ना एक अलग चीज़ है. किसी और के लिए लिखना और खुद के लिए लिखना एक बहुत अलग चीज़ है. तो वो I want to bring that person back, वो खुद के लिए लिखने वाला, किसी और के लिए नहीं. मुझे इसीलिए पता है, इसीलिए मैं writing jobs में जाने से काफ़ी ज़्यादा कतराती थी, but then I tried it because I like script writing. So I tried it. But वही चीज़ मुझे वहाँ जाके भी लगी कि किसी और के लिए लिखना, किसी और के ख्यालों को शब्द देना या अपने शब्दों को किसी और के हिसाब से काटना छाटना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा. I cannot compromise my words for somebody else. तो I took a break from that job. So right now I am trying to do other things. Exploring myself. See, 20s is a time जहाँ हम risk ले सकते हैं, हम risk भी ले सकते हैं, but then there is also this responsibility of settling. हाँ, and if you hit 25, if you hit 25, then you have this another pressure of getting married. I don't know what is the deal with the world. आप Instagram खोलो, तीन दोस्तों की शादी होगी, दो के बच्चे हो गए, कोई Maldives गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है. What's the deal with people, man? तुम हम अभी मतलब I question myself कि क्या उन्होंने खुद को इतना explore कर लिया? Exactly. I question myself कि are these guys this financially stable? That financially से ज़्यादा मुझे emotional maturity के बाद बहुत ज़्यादा मुझे financial stability का बहुत लगता है कि यार मुझे financially stable हो गए हैं. Because financially stable इंसान हो भी जाए, but that emotional stability, you know, of sharing your life with somebody else, that's pretty scary. And in your mid 20s, like yeah, मतलब
दिस इज द टाइम, दौड़ो, खेलो, गिरो, उठो, बस रुको मत और शादी मत करो गाइस. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. प्लीज गाइस डोंट गेट मैरिड. प्लीज प्लीज गाइस डोंट गेट मैरिड. दिस इज एन एंटी मैरिज वीडियो. No, we don't have any problem with marriages, but it's just that people around us are getting married. See, if you have that emotional maturity, then I would be very happy for you, you know, stepping into that next phase. But I have seen people around me, मुझे पता है उनकी emotional maturity उतनी नहीं है, and then them getting married. Okay. और तुझे क्या लगता है कि emotional maturity कब तक आती है? दो तीन साल बाद आ जाएगी क्या? यार देखो, अगर कहने को कहें तो मैच्योरिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड. उसका एज से कुछ लेना देना नहीं है. बट देन ऑल्सो आई वुड रिकमेंड पीपल टू गो थ्रू देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस इन द 20s, यू नो. थोड़ी देर राइट अकेले रहो, यू नो, लिव ऑन योर ओन. ट्राई टू लिव ऑन योर ओन, ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. क्या पता यू आर मेंट फॉर मच मोर और आप इसी चीज़ में लिमिट होके रह जाओ. एंड वॉट इफ शादी के बाद यू आर नॉट अलाउड टू डू सर्टन थिंग्स जो तुम कर सकते थे मे बी शादी से पहले? पता नहीं, आई कांट से अबाउट आई जस्ट लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट मैरिजेस. इट्स ऑलरेडी प्रिटी स्केरी. लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट मैरिजेस. ऑलरेडी काफ़ी गम है. नहीं नहीं गालिब और कुछ. What about people who are getting married and having kids? Damn, please. और भी गम है ज़माने में गालिब, marriage और kids के अलावा. I know. And what do you think that इस age में ऐसी कुछ चीज़ें like थोड़े बहुत तो experiences हो ही गए हैं हम लोगों को, right? 25 से पहले ना तुम्हें चीज़ें hit हो चुकी होती हैं. And तुम्हारी वो एक shield ना बन चुकी होती है. So what do you think are the things that you can compromise on? Compromise as in? As in your relationships, on your health, like kuch bhi. I don't think 20s is the time to compromise. I think 20s is the time to hustle and fight. Be it for your health. Kyunki abhi tak na you were living according to your parents, teenage mein. Then ekdam se wo college mein freedom milta hai. And you go all wild, okay. But अब this is the time जब आप खुद को थोड़ा संभालना शुरू करो, you know. जितना body पे आपने torture कर दिया है, undo that. Start working on your health. You shouldn't compromise on things, but you should start making wise decisions. You know, थोड़ा ये वो time है जहाँ हमें अपने vision को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा. And इस चीज़ से मेरे को एक और question आता है. Everybody talks about, you know, you should take a risk in your 20s and, you know, flan imkana. But I think har koi itna privilege nahi hota hai ki wo apne 20s mein risk le sake. To wo cheez zyada overwhelming nahi hoti hai ki agar tum kuch karna chahte ho, tum risk lena chahte ho, but tum maybe because of responsibilities tum nahi le pate. See, Ayushi, jaise you talked about this स्पेसिफिक सिचुएशन, तो मैं कहूँगी कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरीज. ओके, द वंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज्ड वंस, क्या पता उनकी भी कुछ, दे माइट हैव देयर ओन साइड ऑफ द स्टोरी. सो वी कांट से, यू नो, वी कांट पुट एवरीबडी इन द सेम बॉक्स. तो दोज हु कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क, please take risks, you know, don't hold yourself back. This is the time to be the wildest version of yourself. And I think go ahead. Aur jo nahi le sakte hain abhi risk, I feel you should build on yourself thoda saal, and definitely go for wo jo dream tha. Never give up on it. One shouldn't give up on their dreams ever, you know. Wo rakhne chahiye aur unki taraf chahe abhi chote chote steps lete raho, बट उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए. या एग्जैक्टली. एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपने 20s में हो, ये टाइम निकल जाएगा. हाँ, ये टाइम निकल जाएगा और फिर उसके बाद ऐसा ना हो कि तुम रिग्रेट करो बाद में. एक ना एक चीज़ है जो सिटकॉम कल्चर आया है ना इंडिया में, उसने ना 20s को काफ़ी रोमांटिसाइज सा करके दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा, यू नो.
लिविंग विद फ्रेंड्स इन इन लाइक यू नो कूल अपार्टमेंट शेयरिंग योर लाइव्स एंड काफी कैजुअल वे में बट इंडियन रियलिटी सैडली काफी डिफरेंट है और पेरेंट्स को काफी ज्यादा थोड़ा नेगेटिव उसमें दिखाया जाता है नेगेटिव या फिर यू नो इतना इन्वॉल्व नहीं किड्स की लाइफ में बट देन लेट मी इंट्रोड्यूस दोज पीपल टू इंडियन पेरेंट्स तुम जो कपड़े भी खरीदोगे उस पर भी तुम्हारी बुआ तुम्हारी चाची सबके सबका ओपिनियन होगा तुम एक पेन लोगे उस पर भी सबके ओपिनियन होंगे अरे ये इतने रुपए का है अरे हम इतने का दिलवा देते अरे ये यहाँ से मिल जाता है अभी हम ऐसे एरा में हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ चीज़ें ईजी हैं और बहुत कुछ चीज़ें डिफिकल्ट हैं एंड जैसे तूने कहा कि यू कैन नॉट वेयर द क्लोथ यू वॉन्ट टू वेयर है ना जैसे पेन हम अगर खरीदते हैं हाँ. या अगर हम कपड़े खरीदते हैं तो उसमें भी 10 लोगों का ओपिनियन होते हैं तो ये भी एक चीज होती है कि तब जब तुम किसी को यू नो पकड़ के रखो जब तुम एक बर्ड को पकड़ के रखते हो फिर जब थोड़ा सा भी छोड़ दो फड़फड़ाने लग पड़ता है तो ये चीज मुझे लगता है पेरेंट्स गलत नहीं करते कहीं ना कहीं पता है दोनों तरफ से थोड़े से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे पेरेंट्स को थोड़ा एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा ऑफ यू नो दे हैव टू मूव अहेड विद टाइम्स एंड थोड़ा सा ये कम करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे चाची क्या कहेगी मामी क्या कहेगी बुआ क्या कहेगी पड़ोसी क्या कहेंगे हाँ फूफा जी क्या कहेंगे तुम्हारी शादी पे नहीं आएंगे अरे नहीं आए इट्स ओके कोरोना ने इतनी बढ़िया चीज की है ना ये वेरी नाइस आई लव इट सोशल गैदरिंग्स में बस थोड़े से लोग 15-20 लोग एंड आई थिंक इट शुड स्टे दिस वे या इवन आई थिंक सो हम पता है 20s क्या हम टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल हम खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं एंड कहीं ना कहीं हम खुद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस वजह से मानसी मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि आई थिंक वुमेन थोड़ी देर पहले मेरा एक शूट हुआ वहाँ पे मैम ने ये चीज़ कही कि वुमेन ना अपने लिए नहीं जीती वो दूसरों के लिए जीते और आई थिंक हम में ये पता नहीं ऊपर वाला नहीं कुछ डाला कि हम अपना नहीं पहले सोचते पहले हम सोचते अच्छा उसके लिए कर लें घर के लिए ये कर लें है ना हम ये नहीं सोचते अच्छा अपनी हेल्थ पे देख लें तो आयुषी इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि एक्चुअली अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो मम्मा और पापा दोनों ने अपनी जगह पे अपने हिसाब से यू नो दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड देयर ओन विशेस दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड देयर ओन ड्रीम्स फॉर अस तो मैं सिर्फ एक पर्सन नहीं कहूँगी एंड अभी जिस जगह पे हम हैं आई डोंट थिंक मैं अभी इतना कॉम्प्रोमाइजिंग या इतना एडजस्टिंग पर्सनली हूँ आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू बी विद दैट वे सेम तो आई थिंक हमारी जनरेशन इज वही आई थिंक वेरी पीपल आर क्लेमिंग यू नो व्हाट इज देयर्स एंड एग्जैक्टली एडजस्टमेंट दोनों मतलब हमने यस विमेन आर वेरी accepting, giving, adjusting and you know very much receptive of others needs but fathers भी रहे हैं उस position पे हमने खुद ही अपने parents को कई बार देखा है इस तरीके से act करते हुए so हम सिर्फ एक gender पे नहीं इस चीज़ को conform कर सकते I think it's human nature yeah अगर इमोशनली नहीं भी बट फाइनेंशियली दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड एंड इमोशनली भी मतलब मे बी नॉट एक्टिवली बट मे बी पैसिवली बिकॉज दे आर ऑल्सो फाइटिंग देयर prejudices their inbuilt prejudices to accept us yes yes exactly because of technology our generation has you know टेक्नोलॉजी भी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आई फील ग्लोबलाइजेशन या इंटरकल्चर वाली जो चीज़ हुई है ना इट्स रियली नाइस इट्स नाइस ऑल्सो एंड इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट ऑल्सो हाँ भाई एक्सेप्टेंस में हर चीज़ में लगेगी अगर मैं टेक्नोलॉजी एज इन टीवी की ही बात करूँ या इंटरनेट की बात करूँ सो यू नो पंकज त्रिपाठी या पंकज त्रिपाठी के घर में मतलब जो उनका गांव वाला घर है वहाँ पे आज भी टीवी नहीं है उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि अरे कि मतलब टीवी जैसी कोई चीज होती नहीं है। हमें टीवी चाहिए ही नहीं वाली चीज है कि अरे तुम्हारा बेटा टीवी पे आएगा अरे उसकी मूवीज आएंगी देखो उसको नहीं भाई हमें टीवी चाहिए ही नहीं वही ना सो एक स्टेप यहाँ से और एक स्टेप वहाँ से वही है सो एक्सेप्टेंस वाली चीज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि 100% एक्सेप्टेंस आ जाएगा किसी चीज को लेके
इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, दो कदम यहाँ से दो कदम वहाँ से. एंड माय लास्ट क्वेश्चन, एंड आई लव दिस क्वेश्चन, व्हाट ब्रेक्स योर हार्ट? व्हाट ब्रेक्स माय हार्ट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली, अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड दूसरों से ज़्यादा मैं खुद अपना दिल तोड़ती हूँ, इन द सेंस खुद को यू नो आई मेक माई सेल्फ फील लेस समटाइम्स इन सम सिचुएशंस. यू फील यू आर नॉट वर्थी, नॉट वर्थ ऑफ इट. आई रेड दिस वेरी ब्यूटिफुल कोट समवेयर, यू डिजर्व द काइंड �फ लव दैट यू गिव टू अदर्स. You deserve to give it to yourself too, the kind of love that you give to others. हम दूसरों के लिए बहुत accepting हो जाते हैं पर हम खुद पे इतने harsh हो जाते हैं, you know, कि हम तो देव पुरुष देव महिला हैं, हमारे हमसे कोई गलती कैसे हो सकती है, या you know, how can we have shortcomings, how can we sometimes feel low. So I am learning to be kind of on myself. I have kept myself in a place जहाँ I have this kind of wall around me, where अंदर मैं हूँ, बाहर से जो कहे उसको मैं fight कर सकती हूँ, पर जब अंदर से आता है ना, that hurts the most. Reflect होता वापस. हाँ, the negative self talk, the existentialist thoughts, those hurt the most. And yeah. मतलब अच्छा खासा दिन एक एक ख्याल की वजह से पूरा अच्छा खासा दिन जाता हुआ खराब हो जाता है. और जब तुम वो डिक करना शुरू करते ना कि यार आई एम नॉट वर्थी ऑफ दिस, और फिर तुम्हें पूरी लिस्ट बन जाती है, आई एम नॉट वर्थी ऑफ दिस 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 दिस. वही मैंने वही कहा, सेल्फ लव इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी. या एग्जैक्टली, इट्स लैकिंग. आई एक्सेप्ट इट्स वेरी लैकिंग, बट इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी ना. आई एम लर्निंग, वी ऑल आर लर्निंग. राइट, सो दिस इज इट मानसी. आई रियली वॉन्ट यू टू give a message to our audience and write a message on my diary. So yes, go ahead. I'll write first and then. No, first you give a message to the audience. Okay. Then you write it on the diary. To my fellow 20 somethings, guys, don't be so harsh on yourself. The rosy picture of 20s, wo itna rosy bhi nahi hai. So you know, let things, give things time to fall into place. Don't put yourself under pressure. बहुत ज़्यादा over pressurize मत करो खुद को. Let things happen at its own pace. And good things will come to you. Keep working, okay? Don't lose hope. That's it. Yeah. and it. Thank you so much, Mansi, for coming. It was a pleasure, Ayushi, meeting you after so long. No, it was my pleasure. And I really want to thank you. And I want to give you something. I really appreciate your time. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. And yes, please go ahead and write a message for me. Yes, sure.